स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट डी सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग होल नंबर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का पता होना चाहिए। सक्सेसर हमारे पास किसी भी नंबर से नेक्स्ट वाला नंबर होता है, उससे बड़े वाला नंबर होता है, जबकि प्रीडिसेसर हमारे पास उससे पीछे वाला नंबर होता है, उससे छोटा नंबर होता है। अब जिस तरह हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 36। अब 36 का सबसे पहले हमने सक्सेसर लिखना है, देन हमने इसका प्रीडिसेसर लिखना है। मैं सक्सेसर को यहाँ पर ओनली एस से डिनोट कर रही हूँ। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सक्सेसर है। सक्सेसर हमारे पास, सक्सेसर 36 का हमारे पास क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया कि सक्सेसर हमारे पास जो है वो उससे नेक्स्ट वाला नंबर होगा। तो 36 से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 37 आता है ना, तो 37 हमारे पास इसका सक्सेसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका प्रीडिसेसर लिखेंगे। प्रीडिसेसर को मैं ओनली पी से डिनोट कर रही हूँ, तो प्रीडिसेसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 का प्रीडिसेसर, मैंने आपको बताया है कि प्रीडिसेसर जो है हमारे पास पीछे वाला नंबर होता है, उससे छोटा वाला नंबर। तो हमारे पास 36 का प्रीडिसेसर, 36 से पीछे हमारे पास क्या आता है? 35 आता है। तो हमारे पास इसका प्रीडिसेसर 35 हो जाएगा। इसी तरह इसके बाकी भी पार्ट होंगे। अब मैं इसका जो है आपको थर्ड पार्ट करके दिखा देती हूँ। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड हमारे पास है 199। तो 199 का हमने सबसे पहले सक्सेसर राइट करना है, वो भी इसी तरीके से। सक्सेसर हमारे पास इससे नेक्स्ट नंबर होता है, सक्सेसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 199 से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 199 से नेक्स्ट हमारे पास आता है 200। तो हमारे पास 200 इसका सक्सेसर आ जाएगा। अब हमने इसका प्रीडिसेसर राइट करना है। प्रीडिसेसर हमारे पास इससे पीछे क्या आता है? 199 से पीछे, 199 से पीछे हमारे पास आता है 198। तो हमारे पास 198 इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ। इसका लास्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 789। तो 789 का सक्सेसर हमारे पास क्या होगा? 789 से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 789 से नेक्स्ट हमारे पास आता है 790। जबकि हमारे पास इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर हमारे पास इससे पीछे वाला नंबर होता है, प्रीडिसेसर हमारे पास इसका हो जाएगा 788। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने इसके सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर बताने थे। जो बाकी पार्ट्स रह गए वो आपने खुद करने हैं। सारे इनके पार्ट्स जो हैं वो सेम मेथड से होने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारे पास कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509।
5.09। अच्छा हमारे पास इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आपने 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स राइट करने हैं जो के स्टार्ट होते हैं 5.09 से। अब हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर वैसे हमारे पास होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पर कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, यानी कि 5.09 से हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, उससे हमने नेक्स्ट वाले हमने कंसेक्यूटिव होल नंबर्स लिखने हैं, और वो भी कितने लिखने हैं, 3 राइट करने हैं। तो 5.09 से हमारे पास नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, तरतीब से होल नंबर किस तरह आते हैं, 5.10, 5.11 एंड 5.12। उन्होंने 3 कहे हैं और उसे नेक्स्ट वाले 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स कहे हैं, तो हमारे पास 5.10, 5.11, 5.12 ये तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। हमने 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं। तो 6 से छोटे हमारे पास नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे हमने राइट कर देने हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि 6 से स्मॉल हमने नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं। तो 6 से स्मॉल नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो हमने राइट कर देने हैं। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएंगे, बिकॉज़ उन्होंने 6 से स्मॉल कहा है।